विकासखंड कार्यालय पहुंचकर सीडीओ कविता मीणा ने निरीक्षण किया। इस दौरान रखरखाव और साफ सफाई की व्यवस्था में खामियां मिलने पर नाराजगी व्यक्त की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सोमवार को सीडीओ कविता मीणा ने विकासखंड कार्यालय का निरीक्षण करते हुए कर्मचारियों की उपस्थिति, अनुपस्थिति और पेंशन आदि के अभिलेखों की गहनता से जांच की। उसके बाद ब्लॉक के बराबर में स्थित सीएचसी में सीडीओ ने निरीक्षण किया। सीडीओ ने डॉक्टर और कर्मचारियों की उपस्थिति में दवाई वितरण, मरीजों को मिल रही सुविधा और प्रसव केंद्र का निरीक्षण किया। डिलीवरी कराने के बाद जल्द ही प्रसूता को घर भेजने पर नाराज सीडीओ ने ड्यूटी पर तैनात नर्स दीप कुमारी का वेतन रोकने की बात कही। वहीं मेडिसिन स्टोर इंचार्ज गणेश दास गुप्ता के चेहरे पर मास्क न होने पर फटकार लगाई, जबकि आशा किट स्टोर रूम के सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ था, जिसे सीडीओ कविता मीणा ने नजरअंदाज कर दिया। हालांकि स्वच्छता को लेकर सरकार अत्यंत गंभीर है। जहां स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध हो, ऐसे स्थान पर गंदगी का अंबार लगा रहा। उसके बाद उन्होंने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नीलिन राजा को व्यवस्था दुरुस्त रखने की चेतावनी दी।